हंसती आंखें देखते कान हंसते गान हंसते गान। पापा, शूज। सारी रात मैं अपने गुनाहगार कानों से सुनता रहा कि तुम दोनों लड़ रहे हो और तुम्हारी माँ गधे और कुत्ते बेचकर सो रही। पापा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुमने एक नालायक लड़के से शादी कर ली और मैं गुस्सा भी ना हूँ। पापा शहजाद अब सुधर गए हैं। नहीं, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, बंदर घुलाटियाँ भूल सकता है, लेकिन शहजाद नहीं सुधर सकता। लेकिन पापा कुत्ते की दुम और बंदर की गुलाटियों से शहजाद का क्या लेना देना? जब शहजाद का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं तो फिर हमारा भी उससे कोई लेना देना नहीं। पापा अब तो 2 साल हो गए, अब तो अपना लें शहजाद को। अपनाया जाता है अपनों को, काम चोरों को नहीं। पापा शहजाद एक राइटर है, आर्टिस्ट है, काम चोर नहीं है वो। तुम्हारा कजिन भी तो आर्टिस्ट था, सिंगर था वो, फिर तुमने उसे शादी से क्यों मना किया? पापा फिर से वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए ना। नई बात तो इस घर में कोई हो नहीं रही, तो पुरानी बातें भी ना करूं। आपके साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए। जाओ, जाना है तो जाओ। अच्छी खासी सेल्फियां हो रही थी, मूड खराब करके रख लिया। I'm a rock star, na, 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 na. I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। I'm a rock star, na, 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 na. बीबी जी ऐसा ना करें। क्यों? दुनिया का तवाज़ुन खराब हो जाएगा। तुम क्या जानो डांस क्या होता है? Go from here. Get out. वो आंटी आप गुस्से में कितनी स्वीट लगती हैं। थैंक यू मुझे मिठाई कहने का डार्लिंग। तुमने मेरा डब मैच देखा? जी जी बिल्कुल देखा। क्या कमाल एक्टिंग करती हैं आप। मैं तो कहता हूँ आंटी आप यहीं आ जाएं, हम दोनों मिलकर कॉन्सर्ट करेंगे। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन मैं तो पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान में हूँ। तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आए? भाई जल्दी आओ, मुझे तो इतने गाने आ रहे हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकती, बहुत सारे गाने निकल रहे हैं दिमाग से, प्लीज आ जाओ ना। ओ आंटी आप अपने गाने को रोक कर रखे, मैं बस अभी आया। ओके 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 डार्लिंग, ठीक है। अबे क्या बच्चे की जान लेगी? साहब जी एक बात पूछूं? अपने काम से काम रखा कर, चल निकल यहाँ से मोटी। हाय साहब जी आपको इतना खामोश देख के ना मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है। और तुझे बोलता हुआ देखकर मेरा खून खौल उठता है। ओहो आपकी बेगम साहबा जो आपको इतनी बातें सुनाती हैं उसका क्या? ये हमारे घर का मामला है, तुझे क्या? और जी एक बात कहूँ, अगर आपकी शादी ना रानी बेगम साहबा से नहीं हुई होती ना तो फिर आपके आज दिन ही कुछ और होते। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मेरी शादी रानी के साथ ना होती, आज हफ्ता है तो मेरे लिए इतवार हो जाता। और जी आप सारी बातें छोड़े ना, मैं आपको ये बता रही थी कि आप अगर अपने आजू बाजू में आस पास में देखे ना तो कितनी हसीन हसीन लड़कियां खड़ी हैं आपकी मोहब्बत की मुंतजर। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये कि साहब जी शर्म आ रही है मुझे। अबे छोड़ शर्म मरम, बता भी देना। साहब जी मैं ना ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तू ऐसी वैसी है बस, लड़की नहीं है। अच्छा आप बता भी देना। हेलो साहब जी, खैर बताऊं मैं? आप अपना दिल थामे, आंखें बंद करें और ये सामने देखें, ये देखें मुझे। मेरी आंखें दो और तू इतनी सारी, तुझे तो 3 किस्तों में भी मुकम्मल नहीं देखा जा सकता, चल यहां से। हेलो मैं तो आपको एक ही झटके में देख लेती हूँ, और आप ऐसी बातें करें देखिएगा मैं भी आपको हासिल करके ही छोड़ूंगी। मोटी कहीं की रानी, रानी तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ, तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता रानी। 71 72 73 77 78 78। बीबी जी आज आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं तो कहीं इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द की वजह शहजाद साहब तो नहीं? क्या मतलब? देखिए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि माना कि शहजाद साहब इस दुनिया के पहले और आखिरी फारिग तरीन इंसान है, लेकिन वो आपको नौरीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद उनको कॉल पे बात करते हुए सुना है नौरीन से। क्या? हाँ मैंने खुद उनको कॉल पे सुना है कि नौरीन मैं तुमसे ज्यादा और रानी से सिर्फ प्यार करता हूँ। क्या मतलब? मतलब नौरीन मैं तुमसे ज्यादा रानी से प्यार करता हूँ, तुमसे तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ।
और नौरीन ने क्या कहा? नौरीन ने क्या कहना था जी, ऐसी गालियां दी हैं शहजाद साहब को कि कंपनी की कॉल आ गई। तो फिर ओहो कंपनी की कॉल की गालियां, ये नौरीन की गालियां, ओहो इतनी गालियां 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 गालियां, अल्लाह माफ करे शहजाद साहब ने फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा थैंक यू खादिम, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कभी मुझे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गैस हो गया है। हाँ तो चावल और आलू कम खाया करो ना, हर वक्त तो खाने पे जोर रहता है तुम लोगों का। इस घर में चावल और आलू के अलावा बनता ही क्या है, वो भी ना खाऊं। मुबारक हो डार्लिंग, मुबारक हो। क्या शहजाद घर छोड़ के चला गया? ऐसी हमारी किस्मत नहीं है। अरे मैं तो इस बात पे खुश हो रही हूँ कि आपका भतीजा आ रहा है। मेरा जीजा आ रहा है? देखने में तो लगता है तुम इंडोनेशिया से आई हो और बोल तुम हिंदी रही हो। भतीजा आ रहा है, भतीजा आपका। क्या हुआ है, किसका भतीजा आ रहा है? इनका भतीजा आ रहा है शाहजेब, तुम्हारा कजन। वो यहाँ क्यों आ रहा है? अगले हफ्ते उसका कॉन्सर्ट है, मैं और वो एक साथ गाएंगे। तुम्हारे साथ गाने से बेहतर है वो किसी गाय को साथ रख ले और गाए फिर गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरीले अंग में। वैसे एक बात बताओ, मियां बीवी का झगड़ा देखने का मजा ही कुछ और होता है। कसम है तुझे खादिम, मैंने कभी तुझे अपना नौकर नहीं समझा। तो मैंने कौन सा कभी आपको अपना मालिक समझा है? जब हम दोनों एक दूसरे को कुछ समझते नहीं है तो फिर यहाँ क्या समझा रहे हैं? मैं आपको समझा रहे नहीं, आपको बताने आया हूँ कि आपकी मोहब्बत पर कोई डाका डालने आ रहा है। जानता था ये नौरीन बेवफा एक ना एक दिन मुझे जरूर धोखा देगी और वही कर दिया उसने। अरे नहीं सर जी, वो रानी का मंगेतर नहीं था पुराना वाला, शाहजेब असलम अमेरिका से आ रहा है आपसे बदला लेने के लिए। अबे मैं किसी फिल्म का विलन नजर आ रहा हूँ, मुझसे बदला लेने आएगा वो? मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो आपको तो किचन में भी जगह नहीं मिलेगी। सुबह सुबह मुझे भी ऑमलेट बनाने पड़ेंगे। अबे कुछ सोच खादिम, कुछ करना यार। सोच तो बंद है। कैसे खुलेगी? बटवा खुलेगा तो सोच खुलेगी ना सर। अभी खोल देता हूँ बटवा। ये ले, खोल दिया बटवा। सर जी सोच को तो निकाले तू भी ना। ये ले, रख ले चुके। कितनी छोटी सोच है आपकी। इतना ही सोचूंगा मैं भी। एक साथ दोनों लड़कियां चली जाएंगी, मैं फिर से कवारा रह जाऊं। नौरीन तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। नौरीन Hi, you sweetie. I sweetie. I Tweety. Tweety. Anyway, how are you, beautiful girl? खूबसूरत भी बोल दिया, लड़की भी बोल दिया, इतनी इंग्लिश मुझे भी आती। You are too good. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जी जी जरूर आइए आइए आइए। हेलो, आप तो मेरे दिल के अंदर आ गए। अजी जी आई। बेटा सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे अंकल मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे नहीं बेटा, मैं दूसरों का कह रहा हूँ, तुम्हारी वजह से उनको तो नहीं हुई। ओ अंकल आप बहुत मजाक करने लगे। फिर से गाओ। मुझे किसी से तकलीफ नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे बस बेटा बस। इसमें जानवरों की आवाज नहीं है। ए, वैसे रानी तुमने मुझे एफबी पे ब्लॉक क्यों किया? एक्चुअली मेरी आईडी शहजाद यूज करते हैं। ओह रियली, शहजाद कहाँ है? यही कहीं मक्खियां मार रहा होगा। बस ने वो आप अपनी आईडी मुझे भी दे दीजिएगा तो मैं आपको वो भेज दूंगी। क्या रिक्वेस्ट? हाँ रिक्वेस्ट। वैसे आपने कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है? बचपन की। असल में ना इनकी एक अकाउंट में ना एक फोटो नहीं आ सकती, इनके लिए ना 6 अकाउंट दरकार है। अरे बेटा छोड़ो, तुम कोई गाना सुनाओ, न्यू सॉन्ग। जी आंटी, कल ही मैंने ब्रूनो के लिए गाना बनाया। वाह। उज्जा बुद्धे, तुझे तेरी माँ की कसम, तुझे तेरे बाप की कसम। एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा। क्या हुआ? हाँ बेटा अब सुनाओ, वो खारिश हो गई। उज्जा बुद्धे, नौरीन मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम मुझे कितनी याद आ रही हो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। शहजाद किससे बात कर रहे हो? मैं अपनी दोस्त की बहन से बात कर रहा था यार, बड़ी ट्रेजेडी हो गई उसके साथ। अच्छा क्या? उसका तीसरा शौहर भी भाग गया। ओह बहुत बुरी बात है। तो चौथी शादी कब करिए? तो वो उनके मूड पे डिपेंड करता है ना, जैसे कोई अच्छा रिश्ता आएगा वो कर लेंगी। वैसे शहजाद मैं भी हमारे रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लेकिन तुम मेरी बात कभी समझोगी?
मैं घर में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मामा पापा हर वक्त मुझे जलील करते रहते हैं, ताने देते रहते हैं, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। शहजाद, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, लेकिन अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो तुम। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी की ना, मैं नहीं रुकूंगा रानी। नहीं नहीं शहजाद, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी, बल्कि मैं तो कह रही हूँ सोचने में इतना वक्त मत लगाओ, जल्दी जाओ। मैं जानता हूँ रानी, ये बात तुम दिल से नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रुक जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी फिल्म हो। तुमसे कम। क्या है? Why are you so rude? हमारे बीच में जो भी था वो खत्म हो चुका है, मुझे यहाँ ऐसे क्यों लाए हो? Hey, chill, chill. तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ? मेरा तो यहाँ एक कॉन्सर्ट है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तो फिर मुझे यूं अकेले में बात करने क्यों लाए हो? देखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझसे इस तरह नजर क्यों चुरा रही हो? ठीक है, हमारी शादी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, लेकिन हम सबसे पहले एक दूसरे के कजन और फिर अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू शाजू, तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन शहजाद के सामने मुझसे कोई बात मत करना, उसे तुम बुरे लगते हो। वाकई में वो बहुत बुरा लगता है। तुम उसे बुरे लगते हो और वो तुम्हें। लेकिन तुम हम दोनों को अच्छी लगती हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दूसरी गलती। और पहली? तुमसे शादी। और दूसरी? रानी की शहजाद से शादी। किसकी शादी की बातें हो रही हैं अंकल? तुम्हारी बर्बादी की बातें हो रही हैं। हाय, बर्बाद तो हम कब के किसी के प्यार में हो गए, अब तो बस तबाह होना बाकी है। तबाह ना होना बेटा, पहले बड़ी खस्ता हाली चल रही है तुम पे। अरे आंटी, आपने गाने की तैयारी शुरू की? हाँ, कब से सुनाओ तुम्हें। या मेरे मालिक, किस जुर्म की सजा मिल रही मुझे? बेटा दौड़ के जाके इतनी सी रुई लाओ, मैं जरा कानों में ठूंसूंगा। मैं बस अभी आ रही हूं। क्या होगा, पूरा तो ले आ। तुम कभी रोते हुए एक बार आईना देख लो तो कसम है तुम जिंदगी भर नहीं रहोगी, क्योंकि बहुत बुरी लग रही है रोती हुई। हाँ भाई, क्यों बुलाया था? आज पहली बार मुझे तेरा एहसास हुआ है। हे अल्लाह, किस बात का? यही कि दुनिया में तेरे अलावा भी बहुत सारे बेसुरे हैं। हाँ, तुम तो जैसे बहुत बड़े प्रोफेशनल सिंगर हो। वो ऐसा गाता हूँ ना, चैंपियन हूँ, चैंपियन गा के सुनाऊ? नहीं, देख तुझे कैसे अच्छा गाऊंगा, गाने देना प्लीज। अच्छा सुनाओ। नंगा पुंगा टिंगा पुंगा, नंगा पुंगा टिंगा पुंगा, नंगा पुंगा टिंगा पुंगा दोस्त। ओह, व्हाट्सअप गाइस, मैं यूज नहीं करता, ये करती है। हाँ, नंबर दे। हाँ, वैसे माशाल्लाह इतना बेसुरा कौन गा रहा था? ये मनोज गा रहा था, आपकी तरह बिल्कुल। खैर, आप इसको एक चांस देना, देखें बहुत अच्छा गाता है, ईमान से आपके कफन की पूरी दुकान, मतलब आपके गाने की पूरी दुकान बंद कर देगा ये। देखो, जरूरी नहीं कि जिसके पास आवाज हो वो मेरी तरह अच्छा गा भी सके। सुन लो मेरी तरह। तो तुम लोग मेरी दुकान बंद कराना चाहते हो? ठीक है, तो तुम गाओ। आप गाओ, मैं म्यूजिक दूंगी, ठीक है? हमारी आवाज में ना बहुत दर्द था, बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, वैसे बहुत ही नंगा पुंगा था, मैंने म्यूजिक दे दिया, सब कट होगा देखना। थोड़ा सा तो बेसुरा तो सुन लेना यार। ड्रामे बाज सिंगर को यहाँ से भगाना होगा। कैसे भगाऊं मैं? या अल्लाह, मुझे ताकत दे, हिम्मत दे मेरे को। यस ब्रो, तुमने मुझे बुलाया? ओए, ये जो तू ड्रामे करने आया ना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मैं ड्रामा नहीं, मैं तो कॉन्सर्ट करने आया हूँ। मैं उसी ड्रामे की बात कर रहा हूँ जो तू रानी के साथ खेल रहा है। हम दोनों के रास्ते में आने की कोशिश की ना, तुझे दूसरे रास्ते लगा दूंगा मैं। ओ, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं खाली पीली के भरम नहीं करा रहा। अबे ओ, ऐसी की तैसी तेरे भरम की। तब से तुझसे तमीज से बात कर रहा हूँ, कर ले जो करना है। अब भाई, भाई 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 भाई, देख, हम दोनों बड़ी हंसी खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, तुम पता नहीं कहाँ से आके बीच में टपक पड़े हो। भाई ऐसा तो ना कर। ओके, तो तुम क्या चाहते हो? मेरे हीरो भाई, मुझ जैसे जीरो इंसान की जिंदगी से दूर चला जा, तुझे अल्लाह का वास्ता है। देख देख देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। चल, क्या याद करेगा, चला जाता हूँ। वादा? वादा, अपनी कसम का,
अपनी कसम। मेरा सुपर हीरो, मेरा सिंगर भाई, हीरो 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 हीरो, मेरा भाई हीरो हीरो। बेटा अगर हमारी कोई बात तुम्हें बुरी लगी थी तो सुबह ही चले जाते, इस वक्त जाने की क्या जरूरत है। और देखो हमारा कॉन्सर्ट भी रह गया अधूरा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कॉन्सर्ट तक तो रुकी जाते, हमें भी मौका मिल जाता आपकी खूबसूरत आवाज सुनने का। सर अगर वो लंदन में कोई एक्टिंग शैक्टिंग का सीन हो तो सर हमें भी याद कीजिएगा ना सर। मुझे भी। बात सुने, अब हमारी दोस्ती तो हो ही गई है तो आपसे फेसबुक पे बात भी होती रहेगी। वैसे कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं रुकी जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है यार, किसी का काम हमारी वजह से क्यों डिस्टर्ब हो यार। आप चाहे प्लीज चाहे। नहीं नहीं एक मिनट ठहरो, अभी तो हमारा प्रोग्राम हंसते गाल आने वाला है, प्लीज देख कर जाना। क्या हंसते गाल यहाँ भी आता है? भाई गाल है, कहीं भी आ सकते हैं। तो फिर मैं देख कर जाऊंगा। ठीक है, बैठे बैठे आओ भी आओ। बैठ कहाँ जा रहे हो, हंसते गाल तो देखो। आप लोग हंसते गाल यहाँ देखे और मेरे होते गाल वहाँ देखूंगा। शीशे में देख लेना तुम्हारे गाल रोते हुए। जब तक शाहजेब इस घर से नहीं जाता मैं घर वापस नहीं आऊंगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ नारी। शहजाद क्या शहजाद घर छोड़ के चला गया? ऐसी हमारी किस्मत नहीं है। मेरा भी उतना ही हक है जितना उनका है, अभी जाके बात करता हूँ मैं उनसे। आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी, ये सही दिया है भाई, ये है हमारे ससुर जी। ससुर जी, ससुर जी जो सुनते हमेशा प्रॉपरली प्रॉपरली